दोस्तों, आप सभी लोग टीवी इंडस्ट्री में नजर आने वाले सितारों को तो काफी अच्छे से जानते होंगे, जिनमें से कुछ सितारे नेगेटिव तो कुछ सितारे पॉजिटिव किरदार निभाकर लाखों दर्शकों का खूब मनोरंजन करते हैं। और एक यही वजह है कि लाखों करोड़ों दर्शक इनके एक्टिंग और इन्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन सितारों से मिलवाने वाले हैं जिनकी साल 2021 में किसी न किसी वजह से निधन हो चुकी है। जी हां, साल 2021 में टीवी इंडस्ट्री के कई सितारे इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। तो आखिर कौन से हैं वो सितारे और कैसे हुई उनकी मौत, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। नंबर एक, सुरेखा सिकरी। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का नाम शुमार है, जो बालिका वधू सीरियल में दादी सा का किरदार निभाती हुई नजर आ रही थी और इनकी डेथ भी 16 जुलाई 2021 को हुई है। नंबर दो, अनुपम श्याम। प्रतिज्ञा सीरियल में प्रतिज्ञा के ससुर ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके अभिनेता अनुपम श्याम की भी डेथ साल 2021 में हुई है और इनकी मौत की वजह कोविड-19 को बताया जाता है। नंबर तीन, अरविंद त्रिवेदी। रामायण सीरियल में रामायण का किरदार निभाकर लाखों करोड़ों दर्शकों का खूब मनोरंजन करने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी भी साल 2021 में इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और इनकी मौत 6 अक्टूबर को मल्टी बॉडी पार्ट्स डैमेज की वजह से हुई है। नंबर चार, सिद्धार्थ शुक्ला। बिग बॉस 13 के विजेता रह चुके अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला भी अपनी 41 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। नंबर पाँच, घनश्याम नायक। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके अभिनेता घनश्याम नायक ने भी साल 2021 में इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इनकी मौत 3 अक्टूबर साल 2021 को हार्ट अटैक के वजह से हुई थी। नंबर छह, माधुरी गोगटे। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में अभिनेत्री माधुरी गोगटे का नाम शुमार है, जो अनुपमा सीरियल में अनुपमा की मां का किरदार निभाती हुई नजर आई थी और ये भी 21 नवंबर साल 2021 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी हैं।